तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये कुछ पतंगे मैंने पकड़ी थी, तो ये सारी मैं पतंगे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। उससे पहले काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई जो आप पेड़ लड़ाते हो लंबे वाले, मतलब वो टीम के साथ जो आप पेड़ लड़ाते हो अपनी, उनकी वीडियो बनाओ। तो ऐसा है कि जो हम वाले पेड़ लड़ाते हैं वो हम लड़ाते हैं संडे और सैटरडे को। तो जैसे अभी अगला जो ये सैटरडे आने वाला है उसमें हम लड़ाएंगे और वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा, और वो आपको संडे को या फिर मंडे को तो डेफिनेटली आपको वाली वीडियो मिल जाएगी। तो वाली वीडियो भी आप देखना मत भूलना। अब ये कुछ पतंगे ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सारी पतंगे मैंने पकड़ी है। तो मैं आपको बता दूँ, देखो छोटी पतंगे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पकड़ी थी, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो मंझोली पतंगे थी, तो उनको मैंने अलग कर दिया। सिर्फ मैं आज आपको अद्दी और पौनी पतंगे दिखा रहा हूँ, जो ज़्यादातर क्लब वालों की मैंने पकड़ी है, और कुछ बच्चों की भी है लेकिन वो अद्दी हैं, तो मैंने सोचा कि वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए फिर दिखाता हूँ ये सारी पतंगे। अभी कुछ दिनों में हमने पकड़ी है, मुश्किल से ये एक हफ्ते के अंदर हमने पकड़ी होंगी, क्योंकि आप लोग जानती है मेरी तरफ काफ़ी ज़्यादा क्लब का फाइटिंग होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली पतंग आप देख रहे होंगे भाई, ये पतंग है, और पतंग आप देख सकते हैं अद्दी पतंग है। और पेपर देख लो पहले आप, पेपर की आपने आवाज़ सुनी, ये त्रिवेणी पेपर के ऊपर पतंग है। और किस कारीगर की पतंग है ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले फर्मा देखो, फर्मा कितना बढ़िया है, और किस कारीगर की पतंग है ये आप देख सकते हैं भाई। ये पतंग जो है जफ़र की पतंग है, अगर आपको फोकस नहीं हो रहा तो आप देख सकते हैं, जफ़र की पतंग है बरेली के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इनका नंबर भी लिखा है और एड्रेस लिखा है, जफ़र काइट जखीरा। तो यार जफ़र की पतंग है, और ये कोई क्लब होगा उन्होंने लड़ाई है ये। उसके बाद आपको नेक्स्ट पतंग में अगर दिखाता हूँ, तो जो नेक्स्ट पतंग है वो, तो नेक्स्ट पतंग ये रही। तो ये वाली जो पतंग है ये देख सकते हैं आप, लंबे फरमे की पौनी पतंग है, और अजंता पेपर में ये पतंग है, और पतंग काफ़ी बढ़िया वाली भी, पतंग काफ़ी बढ़िया है। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है मेहताब काइट सेंटर की पतंग है भाई, मेहताब काइट सेंटर की, और ये स्टार काइट सेंटर ने बेची थी ये शायद पतंग, और जो इसके मेकर हैं वो मेहताब काइट मेकर की ये पतंग है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया पतंग है, ये देखिए। और इसका नेक्स्ट पतंग, चलो इसकी मैं आपको एक बार स्टैम्प भी दिखा दे रहा हूँ, मेहताब काइट सेंटर की। तो आप स्टैम्प आप देख सकते हैं, ये लिखा देखिए मेहताब काइट मेकर, और ये नंबर है, अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे। और ये देखिए स्टार काइट सेंटर ने ये पतंग शायद रखी होगी अपनी दुकान में, जो भी होगा। चलिए नेक्स्ट पतंग आपको दिखाते हैं अब। तो जो नेक्स्ट पतंग है ये भी पौनी पतंग है, और लोकल पतंग है ये, कोई ज़्यादा खास कारीगर भी नहीं है, पटेदार है, सही है पतंग। चलिए अब आपको दूसरी पतंग दिखाते हैं। तो ये भी पौनी पतंग है, ये भी मैंने पकड़ी थी, और ये भी लोकल पतंग है। देखिए सब लंबे फरमे में है पौनी, आजकल सब लंबे फरमे की पतंगें मिल रही मुझे, क्योंकि ज़्यादा रेंज का गेम नहीं लड़ता इन लोग का, छोटी रेंज की पतंगें हैं ये सारी, 400-500 तक की। तो ये भी देखिए लंबे फरमे की है। उसके बाद नेक्स्ट पतंग जो आती है ये आप देख सकते हैं अद्दी पतंग है, ये भी लंबे फरमे की अद्दी पतंग है, अजंता पेपर में पतंग, ये भी बढ़िया है। उसके बाद आपको दूसरी पतंग दिखाता हूँ, तो दूसरी पतंग ये रही, ये भी अजंता पेपर में पतंग है, काफ़ी टाइट पतंग है देखिए। तो अब जो पतंग आ रही है, पतंग थोड़ी गोल फरमे में है, आप देख सकते हैं पतंग गोल फरमे में है, ये रेड कलर की, और ये शायद थोड़ी रेंज की पतंग होगी ये देखिए। तो ये रही भाई, चलिए नेक्स्ट पतंग दिखाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट पतंग फिर से पौनी आ रही है, तो फर्मा देखो आप पतंग का, काफ़ी बढ़िया फर्मा आई, और अजंता पेपर में पतंग है, काफ़ी बढ़िया है। और इसके जो मेकर हैं ये आपको, मेकर का नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो मेकर हैं वो भाई जफर पतंग साज की पतंग है, और मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रहा मोबाइल नंबर इनका, तो जफर भाई की ये पतंग है। चलो ये भी अलग रखते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट पतंग आपको दिखाता हूँ, तो नेक्स्ट पतंग ये रही, ये भी पौनी है, और ये मैंने यहाँ 15 अगस्त के दिन पकड़ी थी ये पतंग, ये देखिए पौनी पतंग है ये, और ये है MPS काइट की, ये भी मेहताब पतंग साज की पतंग है। देखिए यहाँ पे इस टाइम लगी है मेहताब पतंग साज की पतंग, ये वाली भी देख सकते हैं आप, पतंग काफ़ी बढ़िया है। अब ये जो पतंग है ना यार, ये पतंग मैं आपको बता दूँ, ये मैंने बहुत लंबी पतंग पकड़ी थी, कम से कम इसमें मुझे आधी रील से ज़्यादा मंजा आया था। ये भी 15 अगस्त को पकड़ी थी ये पतंग, सद्दी से टूटी थी किसी की, और ये मैंने पकड़ ली थी, सद्दी से ही पतंग पकड़ी थी, उसमें मुझे सद्दी भी मिली,
थोड़ी और मंजा मिला होगा, करीब आधी भी मंजा मिला मुझे, रेड कलर का मंजा था इसमें काफ़ी बढ़िया। और पतंग काफ़ी लंबी लड़ रही थी, काफ़ी लंबा लड़ रहे थे इनके पेच, तो उसके हाथ से टूट गई या किसी बच्चे ने काट दी होगी 15 अगस्त के दिन, मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी लंबी ये पतंग मैंने पकड़ी थी, दिन का टाइम था, ऐसी बज रहे होंगे, 2 बज रहा होगा, और काफ़ी लंबी पतंग ही मैंने पकड़ी थी। पतंग काफ़ी बढ़िया ये वाली भी। नेक्स्ट पतंग जो आती है ये भी जफर की, वही सेम पतंग जो अब आपको पहले दिखाई थी, वैसी एक और पतंग मैंने पकड़ी थी, देखिए जफर की पतंग है, और वही पेपर की पतंग है, त्रिवेणी, त्रिवेणी पतंग की ब्लैक, त्रिवेणी पेपर की ब्लैक कलर की पतंग ये वाली भी, सही है। और चलिए अगली पतंग आपको दिखाते हैं, तो अगली पतंग आप ये देख सकते हैं, ये रही, अब इसमें देखो कितना बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है इसमें, ब्लैक वाइट और ब्लू, और पेपर देख सकते हैं, ये पतंग काफ़ी बढ़िया लग रही है जब उड़ रही है, और मेकर का नाम तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन गोल फर्मे में थोड़ी ये पतंग है, छोटी छोटा फर्मा है, अद्धी का छोटा फर्मा जो होता है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ये वाली पतंग, ये देखिए, ये आसम ने काफ़ी बढ़िया लग रही थी यार जब पतंग मैंने पकड़ी थी। चलिए नेक्स्ट पतंग आपको दिखाता हूँ, तो नेक्स्ट पतंग फिर से लंबे फर्मे की एक पतंग ये है, ये देखिए, इसमें कोई मेकर का नाम नहीं लिखा, लेकिन पतंग काफ़ी बढ़िया ये वाली भी। अगली पतंग दिखाऊँ तो ये भी लंबे फर्मे की पतंग है, और ब्लैक कलर की है, और ये पतंग किसकी है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है, ये रहा इनके मेकर का नाम, फराज नियाजी की पतंग है यार, थोड़ा फेड हो गया ये, लेकिन नंबर पता नहीं आपको दिख रहा होगा, देख लेना आप पहुँच करके, देखिए नंबर, और फराज नियाजी की ये पतंग है। चलिए आपको अगली पतंग दिखाता हूँ, तो अगली पतंग ये रही, चारखाना पतंग है, पेजू की नहीं है, कोई बच्चा उड़ा रहा होगा, लेकिन तब भी उन्होंने टेपिंग देखो कितनी बढ़िया टेपिंग करी है उन्होंने, एकदम पूरा कवर कर दिया जॉइंट्स को, शायद उसे पता हो कि जॉइंट्स खुल जाते हैं। और ये है रंगीन पतंग साज की पतंग है, रंगीन पतंग साज की ये स्टैम्प लगी है इनकी, लोकल पतंग है ये भी। अगली पतंग दिखाता हूँ, तो ये पेजू की पतंग है, और काफ़ी भारी पतंग है यार ये, काफ़ी भारी पतंग है, और ये है अजीम काइट सेंटर की, ये देखिए स्टैम्प, आप स्टैम्प में फोकस करता हूँ, तो ये जो पतंग है अजीम काइट सेंटर की है। चलिए आपको नेक्स्ट पतंग दिखाता हूँ, तो नेक्स्ट पतंग फिर से अद्दी है, ये बच्चा ही उड़ा रहा हो, कोई बच्चों की मतलब की पतंग है, देख सकते हैं ऐसा तो लड़ती नहीं है, क्लब वाले तो लड़ाते नहीं है, ये अलग कलर क्योंकि दिखता नहीं है आसमान में। और आज की लास्ट पतंग ये भी कुछ बेकार ही पतंग है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लड़ाने के लिए सही है शाम को, तो ये भी किसी बच्चे ने उड़ाई हुई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारी पतंगें मैंने लूटी हैं, अभी एक हफ्ते के अंदर ये सारी पतंगें पकड़ी होंगी, और बस कुछ 2-3 पतंगें जो मैंने 15 अगस्त के दिन पकड़ी थी, वरना जो ज़्यादातर पतंगें जो मैंने पकड़ी हैं सिर्फ एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर ये सारी पतंगें पकड़ी हैं, 20 पतंगें करीब ये होंगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, मैंने सोचा कि आपको दिखा देता हूँ सारी पतंगें जो मैंने पकड़ी हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंग वाले दोस्तों में, और कमेंट भी करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।